हेलो दोस्तों, नई नई वीडियो और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ कार्टून को सब्सक्राइब करें। अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है और पक्षी भी अपने घर जाने लगे हैं। अरे रेखा, देखो दादाजी आ गए। हाँ रोहन, दादाजी आ गए, चलो इनसे कोई कहानियां सुनते हैं। आओ दादाजी, हमारे पास आकर बैठो। हाँ बेटा, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा। दादाजी, हम कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, आप हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करें। आइए दादाजी, हमारे पास आकर बैठिए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बैठकर ही कहानी सुनाऊंगा। प्यारे बच्चों, एक बार एक घने जंगल में एक सांप और एक चील आपस में लड़ रहे थे। उनमें बहुत ही समय से बहुत ही घमासान लड़ाई चल रही थी। जब गांव के लोगों को उनकी लड़ाई के बारे में पता चला तो वो उनकी लड़ाई देखने के लिए उनकी तरफ भागने लगे। फिर क्या हुआ दादाजी? मेरे प्यारे बच्चों, जब गांव के लोग उस सांप और उस चील की लड़ाई को देखने के लिए दौड़ रहे थे, तभी घने जंगल में एक बाघ आ गया। दादाजी, अचानक जंगल में बाघ कैसे आ गया? बेटा, घना जंगल तो जंगली जानवरों का बसेरा होता है, तभी तो कहते हैं कि बच्चों को जंगल में अकेला नहीं जाना चाहिए। दादाजी आप आगे बताएं, आगे क्या हुआ? गांव के सभी लोग उस बाघ को देखकर वापस गांव की तरफ ही भाग गए, लेकिन चील और सांप में लगातार लड़ाई चलती रही। सांप उस लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो चुका था और वह लड़ते लड़ते मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, मेरी आज जान बचा लीजिए। तो दादाजी, वह सांप उस लड़ाई में मारा तो नहीं गया? मेरे बच्चों, जब कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर सच्चे दिल से ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर खुद साक्षात होकर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जब सांप ने सच्चे मन से ईश्वर को याद किया तो ईश्वर की ज्योति ने उस सांप की मदद की और तभी वहां पर अचानक बरसात शुरू हो गई, जिससे वह चील वहां से उड़कर भाग गई और सांप भी ईश्वर को धन्यवाद कहकर वहां से भाग गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में ईश्वर से आस नहीं तोड़नी चाहिए। दादाजी, हम आज से कभी भी ईश्वर से आस नहीं तोड़ेंगे, हमेशा ईश्वर को याद रखेंगे। हाँ दादाजी, हम कभी ईश्वर से आस नहीं तोड़ेंगे, हमेशा ईश्वर को मानेंगे और हर समय में ईश्वर को याद रखेंगे। शुक्रिया मेरे बच्चों, मैं अब तुम्हें कल कहानी सुनाऊंगा।